हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास सिक्स मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हमने 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमने स्टार्ट कर रखी है एक्सरसाइज 7.6 जो बिलोंग करती है चैप्टर 7 फ्रैक्शन से। इसका प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था, आज हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नैना वाज गिवन 1/2 पीस ऑफ केक। नैना को कितना पीस ऑफ केक मिला है, 1/2 पीस। एंड नजमा वाज गिवन 1/3 पीस ऑफ केक, और नजमा उसकी दोस्त है, उसको कितना केक मिला है, 1/3 केक मिला है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक, हमें केक का टोटल अमाउंट निकालना है। वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम, जो दोनों को दिया गया है, नैना और नजमा दोनों को केक के पीस मिले हुए हैं, तो टोटल कितना केक का पीस मिला है ये बताना है। जैसे ये टोटल केक बना हुआ है, इसका 1/2 पार्ट तो किसको मिल गया, नैना को मिला है, और नजमा को कितना मिला है, 1/3 पार्ट नजमा को मिला है। तो हमें टोटल बताना है कि इन दोनों को टोटल कितना पार्ट मिला। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो इसके वर्ड प्रॉब्लम को लिखेंगे क्या है, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक टेकन बाय नैना। नैना को कितना पीस ऑफ केक मिला है, 1/2 पीस मिला है केक का, इतना पार्ट किसको मिल गया, नैना को मिल गया। अब नजमा, पीस ऑफ केक टेकन बाय नजमा, नजमा को कितना मिला है, 1/3 पीस। टोटल निकालना, हमें क्या निकालना, टोटल अमाउंट ऑफ केक, टोटल अमाउंट ऑफ केक कितना अमाउंट मिला है टोटल के लिए, दोनों को ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/3। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 1 2 और न्यूमिनेटर ऐड कर देते हैं, तो क्या आ गई, ये 3/2, और इसमें 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4/3। ये कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन, जो कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको सेम बनाएंगे, और सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 3, 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, 2 1 2 3 एज इट इज, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 3, तो एलसीएम कितना आ गया, 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया एलसीएम। अब डिनोमिनेटर को, हम दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे, क्या था, 3/2 प्लस में 4/3। अब इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो न्यूमिनेटर को भी किससे करनी पड़ेगी, 3 से। इसको 6 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम लिखेंगे आगे, 3 3 9 डिवाइड में 3 2 6 प्लस में 4 2 8 3 2 6, दोनों डिनोमिनेटर सेम, तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, और लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे, बीच में कैसा साइन है, प्लस, तो न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, तो 9 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 17/6। इतना पीस केक का दोनों को मिला है, तो टोटल करने के लिए हमने ऐड कर दिया, सबसे पहले नैना को 1/2 पार्ट मिला है केक का, नजमा को 1/3, टोटल के लिए दोनों को ऐड करेंगे,
बट ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देन ये अनलाइक फ्रैक्शन आ गया, तो अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे क्योंकि इसको लाइक बनाना पड़ेगा, फिर हम इसको ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आया? 6। अब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे? 6। ऐड करके हमारा आंसर क्या आ गया? 17/6। इतना पीस ऑफ केक नैना और नजमा दोनों को टोटल मिला है। तो आई होप ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए रिवीजन करना है। धन्यवाद।